आपको बता दें ये बड़ी खबर, विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनुरोध सिंह का ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये ट्वीट किया कि मैं अब 6 सप्ताह से अपने पिता के संपर्क में नहीं हूं। विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह का ये ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने ये लिखा है कि मैं अब 6 हफ्ता से अपने पिता के संपर्क में नहीं हूं, वो मेरी मां के प्रति हिंसक हो गया है, कर्ज वसूली किया है, शराब में बदल गया है, जो मेरा समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें अनिरुद्ध सिंह ने ये ट्वीट किया है, ये केवल राजनीतिक विचारधाराओं का अंतर नहीं है, वो मेरी मां के प्रति हिंसक हो गया है। आपको बता दें अनिरुद्ध सिंह ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने ये लिखा है कि वो अपने पिता के संपर्क में काफ़ी दिनों से नहीं है, उन्होंने ये भी लिखा है और वो उन दोस्तों के कारोबार को नष्ट कर दिया है, जो मेरा समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें अनिरुद्ध सिंह ने ये ट्वीट किया है, ये केवल राजनीतिक विचारधाराओं का अंतर नहीं है, वो मेरी मां के प्रति हिंसक हो गया है, कर्ज वसूली किया है, शराब में बदल गया। अनिरुद्ध सिंह ने ये सभी चीजें ट्वीट की है और उन दोस्तों के कारोबार को भी नष्ट कर दिया है। आपको बता दें कि अनिरुद्ध सिंह ने ये सभी चीज़ें ट्वीट करके अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि वो अपने पिता के संपर्क में काफ़ी दिनों से नहीं है और कर्ज वसूली किया है, शराब में बदल गया है, ये अनिरुद्ध सिंह ने ट्वीट किया है। बता दें विश्वेंद्र सिंह के बेटे की ये पोस्ट अब काफ़ी चर्चाओं में है, उन्होंने लिखा है कि मैं अब 6 सप्ताह से अपने पिता के संपर्क में नहीं हूँ, मेरा समर्थन परिवार से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, लोग परिवार से इस पोस्ट को अनबन से जोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि लोग अब इस पोस्ट से परिवार में अनबन से इसको जोड़ कर देखा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि वो 6 हफ्ता से अपने पिता के संपर्क में नहीं है, कर्ज वसूली किया, शराब में बदल गया और उन दोस्तों के कारोबार को भी नष्ट कर दिया।